पटाखा और अंग्रेजी मीडियम फेम राधिका मदान अब वासन बाला की स्पॉटलाइट कहानी में है, जो रे की एंथोलॉजी में एक सेपरेट कहानी है। रे को चार अलग डायरेक्टरों ने डायरेक्ट किया है। स्पॉटलाइट के डायरेक्टर वासन बाला हैं। इस कहानी में राधिका मदान और हर्षवर्धन कपूर हैं। राधिका ने इसमें गॉडवुमन दिव्या दीदी का रोल प्ले किया है। वह यूपी से ताल्लुक रखती है, खास लहजे में बात करती है। उसे आत्मसात करना चैलेंजिंग था, मगर वह करने में राधिका को मजा आया। राधिका ने कहा, दिव्या दीदी एक बहुत प्रभावशाली हस्ती हैं, जिसे लोग गंभीरता से लेते हैं। महत्वपूर्ण था कि उसके शब्द प्रामाणिक हों, इसलिए सही बोली प्राप्त करना मेरे लिए प्राइमरी वक्त था। मैं कभी यूपी नहीं गई हूँ, इसलिए मैंने एक डायलेक्ट कोच और वासन सर से मदद ली, जिन्हें मुझे 10-12 दिनों में तौर तरीके सिखाने थे। मैं क्लासेज में जाती थी, हर दिन कोचिंग करती थी। उस दौरान मैं दूसरे प्रोजेक्टों की शूटिंग भी कर रही थी। वह करने के बाद भी मैं इरादतन क्लासेज में आती और वासन बाला के संग इस डेवलपमेंट पर चर्चा करती। अच्छी बात यह रही कि वासन नरेशन के मामले में जादूगसे हैं। वो कुछ यूं कहानी नरेट करते हैं कि आप संबंधित जगह की कहानी देखने लग जाते हैं।